अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, सुबह उठते ही मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग बना लिया जाए। सुबह दिन की शुरुआत से ही बना लिया हम व्लॉग। ये जी देखें, यहाँ पे रूम में बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट था। इस मेस में आधे से ज़्यादा मेस मेरे घर वालों का, मेरा तो बहुत ही कम, सिर्फ एक स्वेटर मेरा उठा। बड़ी मुश्किल से रूम की लाइट ऑन की और यहाँ पे अपने स्लीपर ढूंढे, जो बड़ी तमीज़ से मैंने स्लीके से उतारे थे रात को। और सुबह उठी मैं, अब बाहर की तरफ चलना चाह रही थी। देखिए रूम में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मेस क्रिएट किया हुआ है। कोई चीज़ किधर गिरी हुई है, कोई चीज़ किधर पड़ी हुई है, किसी को कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं। मैंने सोचा कि उन्हें पहले कहवा बना लूँ, उसके बाद आके अपना रूम सेट करूँगी। यहाँ पे मैंने कहवा पकाया और अपना आ गई रूम में लेके। इसके बाद मैंने हमेशा इसी तरह करती हूँ, कहवा लेके साथ रूम को ठीक कर लेती हूँ। इतनी देर में कहवा भी थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो उसको पी लेते हैं साथ साथ, और अपना रूम सेट कर लेते हैं। दोबारा उसको अपनी असली हालत में ले आती हूँ। गरम गरम कहवा साथ में, मॉर्निंग में नाश्ता शुरू शुरू में नहीं होता, सो मैं पहले कहवा पी लेती हूँ, उसके बाद घंटे दो घंटे बाद नाश्ता करती हूँ। तब तक मैंने रूम साथ साथ समेटा और उसके बाद बाहर आई तो मम्मा ने जी सैंडविचेस बना लिए थे और साथ में गर्मा गर्म चाय तैयार की हुई थी। ये दोनों चीज़ें खा के मैंने बड़े मज़े से नाश्ते को इंजॉय किया घर बैठ के। मम्मा के हाथ का नाश्ता बहुत ही मज़ा आता है, इसका बहुत ही सुकून और बहुत ही रिलैक्सेशन के साथ ये नाश्ता किया जाता है। हाँ जी, नाश्ता करके मैं आई तो जी देखे मेरे रूम की क्लीन एंड टाइडी लुक। लैपटॉप को मैंने सबसे पहले चार्जिंग पे लगाया। भाई लैपटॉप मुझे रात को मूवी देख रही थी, मूवी देखते देखते मुझे इसने अपनी औकात भी दिखा दी जी, चार्जिंग बीच में खत्म हो गई। ये सबसे ज़रूरी काम होता है, लैपटॉप चार्ज पे लगाया, मैं ऊपर आ गई। इतने मज़े की सनलाइट थी, दिल चाह रहा था ऊपर ही बैठे रहो। दो तीन दिनों से बहुत बारिशें हो रही थी जिसकी वजह से सूरज ने अपनी शक्ल इन थी दिखाई। और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने फ्रेश रोज़ेस को देख के, इनको पानी देना, इनकी देखभाल करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कुछ दिनों बाद, काफ़ी दिनों बाद आज एक रोज़ नमोदार हुआ था, बाकी पता नहीं किधर किधर सो गए थे बाकी रोज़ेस। मैं बहुत ही इनको मिस कर रही हूँ। सन बहुत ही मज़े का था, अच्छी सी लाइट लाइट धूप साथ हवा भी बहुत मज़े की चल रही थी, बहुत मज़े का माहौल था। दिल चाह रहा था इसी सुकून में, बहुत ही फ्रेश होता है। अल्लाह ताला की नेमतें, फूल फल वगैरह देख के बहुत ही दिल खुश होता है। इतनी प्यारी सूरज, इतनी प्यारी धूप के साथ हवा, ठंडी ठंडी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अल्लाह ताला की कुदरत, हज़ार कुदरत अल्लाह ताला के हमारे सामने, हम उनका जितना भी शुक्र हो अदा कम करना चाहिए। यहाँ पे जो सामने भूतिया दरख्त इधर लटका होता है रोज़, इसको मैं देखती हूँ, मुझे भूतिया चुड़ैल लटकी हुई इस पर नज़र आ रही होती है। बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे मुझे तो लग रहे थे, मैंने कहा अच्छा होता इसको आज कैप्चर कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ भी इन नज़ारों को शेयर करूँगी जी। यहाँ पे ऑरेंजेस भी ले आई थी मम्मा, क्योंकि धूप में बैठ के ऑरेंजेस खाना तो मस्त 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 होता है ना हमेशा। बहुत ही प्यारे माशाल्लाह ऑरेंजेस थे, बहुत ही फ्रेश थे बिल्कुल। मुझे इस तरह के टहनी वाले, लीव्स वाले ऑरेंज तो और भी बहुत प्यारे लगते हैं, पर अफसोस इनकी एक ही टहनी थी और लीव था। फिर मैं वापस अपने लीव्स के पास आ गई, इनको देख रही थी, इनकी देखभाल कर रही थी, इनको फीड वगैरह दे रही थी ताकि अच्छे से ग्रो कर सकें। बहुत ही प्यारा मौसम था, मैंने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया आज। बहुत मज़े के धूप के साथ ऑरेंजेस भी आए हुए थे, उनका मैंने और ही फ़ायदा उठा लिया। देखिए उन्हें मुझे इनको हम इंजॉय करेंगे साथ, दिखाते हैं आपको आगे ऑरेंजेस का। यहाँ पे साथ साथ बाकी लोग भी ऊपर आ गए थे जिसकी वजह से मैं उनको भी कैप्चर करना चाह रही थी। इतने में ही मामा ऑरेंजेस की फिर से ट्रे ले आए, को उन्होंने कहा कि चलो भाई ऑरेंजेस को खा लो। ऑरेंजेस कैसे भी आपको पता बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इनमें बहुत सारा विटामिन सी होता है जो कि हमें सनलाइट में मिलता है। यहाँ पे मेरी बहन ने ऑरेंजेस के छिलके इस तरह रखे थे ताकि इनको ड्राई करके इनसे मज़ीद बेनिफिट हासिल कर सके, पर यहाँ पे इनको फंगस लग चुकी थी। आप लोग भी अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं कोई, तो आप लोग भी इसको प्लीज़ ढंग से काम किया करें, मेरी बहन की तरह नहीं कि इनको फंगस रखने के लिए छोड़ दिए। इतने दिनों के पड़े हुए थे पर उसने प्रॉपरली इनको क्लीन ही नहीं था किया जिसकी वजह से इनमें फंगस लग गई। वरना ऑरेंजेस के तो अपने ही बहुत फ़ायदे होते हैं, उसके साथ साथ इनके जो छिलके होते हैं इनके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो आप लोग भी लाजमी अपने जो ऑरेंजेस खाते हैं उनके छिलकों को सेव करके रखा करें ताकि उनको हम लेटर ऑन यूज़ कर सकें। यहाँ पे जी मामा ले आई थी ऊपर, हैंडमेड जूसर पे मामा ले आई थी, तो उन्होंने कहा कि चलो जी मेरी बेटियाँ ऊपर बैठी हुई हैं, मैं उनकी थोड़ी खिदमत कर लूँ। जूसर तो वो ले आई थी पर भाई जूस इसमें हमने खुद ही बनाना था। ऑरेंजेस थे पड़े हुए मज़े के धूप में बैठ के साथ, फ्रेश जूस का तो अलग ही मज़ा है और इस हैंडमेड जूसर का अलग ही कमाल है। तो यहाँ पर मैंने कट किए बहुत सारे ऑरेंजेस जिसका मुश्किल से ये एक गिलास बनेगा। और यहाँ पे बहना इज़ ऑन ड्यूटी, ये जूस बना रही थी मेरे लिए कम और अपने लिए ज़्यादा, क्योंकि अपनी मदद आप करो का हिसाब होता है सिस्टर्स में। खैर
इन्होंने जूस बनाया, बनाई गई स्क्वीज़ बड़ी मुश्किल से कर रही थी, हिम्मत तो इनमें है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से लगी हुई थी, जी जान लगा के स्क्वीज़ करने लगी हुई थी। इन्होंने जूस निकाला इतना सा, जी दिखाती हूँ आपको कि इन ऑरेंजेस का कितना जूस बना। ऑरेंजेस तो अगर दर्जन भी ऑरेंजेस लो तो उनका भी मुश्किल से एक ग्लास जूस बनता है, जितने ऑरेंज हो उतना ही कम होता है। यहाँ पे जूस डाल रही थी वो और मैं उनको कैप्चर कर रही थी, पर मज़े का फ्रेश फ्रेश जूस पीने के लिए मैं तैयार बैठी हुई थी यहाँ पे। जी आपको दिखाती हूँ जूस भी, अब फ्रेश जूस का अलग ही टेस्ट होता है, अलग ही मज़ा होता है, और धूप में बैठ के अल्लाह ताला की ऐसी नेमतों का बहुत ही लुत्फ़ आता है। अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि सबको ऐसी नेमतें भी। जूस पीने के बाद नीचे तो मामा ने बड़े मज़ेदार से दाल चावल नीचे पका के तैयार किए हुए थे, देख के ही मुँह में पानी आ गया था। दाल चावल तो मुझे नहीं लगता हम पाकिस्तानियों की किसी की भी दाल चावल के अलावा कोई फेवरेट डिश होगी, मेरी तो मोस्ट 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 फेवरेट डिश है दाल गोश चावल, बहुत ही ज़बरदस्त है। मामा ने इनको तैयार किया हुआ था गर्मा गर्म साथ में सलाद का, तो अलग ही मज़ा आता है, बहुत ही डिलीशियस मुझे ये डिश लगती है। चाहे 10 चीज़ आगे पड़ी हो पर मैं तो हमेशा ही दाल चावल को सिलेक्ट करूँगी। साथ में मैंने कहा क्यों ना अपने लैपटॉप पे थोड़ा काम कर लिया जाए, काफ़ी दिनों से पेंडिंग काम पड़ा हुआ था। जी भाई हम काम वाले बच्चे हैं, साथ काम शाम भी ज़रूरी होता है, काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद खाने के फ़ौरन बाद मामा की आदत है मुझे चाय दे देती हैं, और मेरी आदत है उनसे छुपा के मैं हमेशा चाय रख देती हूँ। इधर भी मैंने ऐसे ही किया, चाय को कवर कर दिया ताकि मैं थोड़ी देर बाद एक दो घंटे बाद चाय को पी सकूँ, क्योंकि खाने के फ़ौरन बाद मुझसे चाय नहीं पी जाती, तो मैंने उसको छुपा के रख दिया था ताकि मामा की नज़रों से दूर रहे और मैं गालियों से बची रहूँ। फिर जी रात को एक दो घंटे बाद जब हुआ मेरा दिल हुआ चाय का, तो मैंने इसको कैटल निकाली, और जब सब इधर उधर हो गए तो मैंने कहा बड़े आराम से बड़े चुपके से कैटल में हम चाय डालेंगे और इसको गर्म करके मैं पी लूँ, ताकि किसी को पता भी ना चले कि मैंने अपनी छुपाई हुई चाय दोबारा गर्म की है। यहाँ पे मैंने अपनी कैटल को लेकर आई और इसको मैंने रखा, इसको ऑन किया और इसको मैं चाय को गर्म करूँगी। बहुत प्यारी मुझे चाय, कैटल वाली चाय तो का तो अलग ही टेस्ट होता है, बहुत मज़ा आता है इसको। यहाँ पे मैंने इसको बटन ऑन किया, एंड वन मोर थिंग, चाय को हम कभी भी कैटल में ढक्कन बंद करके नहीं पकाते, क्योंकि जब भी बॉयल होती है तो आपकी पूरी की पूरी करके नहीं पकाते, क्योंकि जब भी बॉयल होती है तो आपकी पूरी की पूरी कैटल और इसका नीचे से जो इलेक्ट्रिक होता है वो ख़राब हो जाता है। तो बेहतर यही है आप लोग इसको ढक्कन खोल के पास खड़े होकर पकाएं, चूल्हे की तरह इसका सिस्टम नहीं होता, ये इलेक्ट्रिक चीज़ है तो इसके हमें सर पे रहकर इसको करना चाहिए। तो बीच में हमें चम्मच भी हिलाते रहना चाहिए ताकि हमारी कैटल ख़राब ना हो, क्योंकि पत्ती वगैरह नीचे जब लग जाती है तो बहुत ही कैटल की शेप आपकी जल्द ख़राब हो सकती है कैटल, तो बेहतर है आप लोग चम्मच हिलाएं। मैंने भी इधर ही बड़े ध्यान से चम्मच हिलाया, इसमें बहुत प्यारे बबल्स आ रहे थे चाय में, गर्मा गर्म चाय, इस तरह बबल्स आते हुए धुआं निकलते हुए चाय की लुक मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। यहाँ पे जी मेरी चाय हो गई थी, 2-3 बॉयल्स के बाद मेरी चाय यहाँ पे हो गई थी गर्म। मैंने इसको बंद किया और इसका अब मैं ढक्कन भी बंद करूँगी और जग की तरह इसको मैं डाल लूँगी, जग की शेप करके वो इसलिए हमारी चाय डलेगी। यहाँ पे कप थोड़ा गंदा था, मैंने कहा चलो भाई इसको धो लेते हैं ताकि थोड़ी अच्छी लुक की आ जाए मेरी वीडियो में कप की। कप को वॉश करके मैंने इसमें जग बना के कैटल से चाय डाली, आराम से ऊपर से चाय डालते हैं, बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ी झाग वाली लुक आती है, जैसे कि बहुत ही प्यारी बहुत ज़बरदस्त सी लुक आती है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस झाग वाली चाय का अलग ही मज़ा होता है, आप लोग भी इस तरह चाय डालिएगा लाजमी इसको ट्राई करेगा, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है, थिक थिक सी लगती है, बहुत अच्छी सी चाय लगती है ये। यहाँ पे जी मेरी चाय की फाइनल लुक आप देख सकते हैं, ये वो चाय है जो मैंने घर वालों से छुपा के रखी हुई थी ताकि किसी को पता ना लगे। आप लोग भी अगर इस तरह की टिप्स मिलनी चाहते हैं तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय बाय।